नमस्कार दोस्तों, राशिफल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानविंदर रावत। सबसे पहले आपको नव वर्ष 2018 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, सुखद रहे। जो भी आपकी इच्छाओं हैं या जो चीज़ें आप चाहते हैं ईश्वर से, वो सभी पूर्ण हो और एक नया संकल्प लेकर के इस नए वर्ष की आपको शुरुआत करनी चाहिए। संकल्प लेना चाहिए अपने माता पिता की सेवा करने का, संकल्प लेना चाहिए आपको अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का, संकल्प लेना चाहिए जीवन में एक नई काम करने का, संकल्प लेना चाहिए जीवन में जितना अभी है उससे कैसे इसको और आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता से बाहर निकलें। नया वर्ष है, पूरे 12 महीने हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। इसीलिए सभी को बड़ा सम्मान सम्मान दें। आज के दिन जरूर अवश्य मंदिर जाएं, जाकर के देवताओं का, भगवान का, सभी का, अपने माता पिताओं का सुबह सुबह आशीर्वाद प्राप्त करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके और पूजा पद्धति करके ही आगे की रणनीति आपको बनानी चाहिए। मेरी आप सभी के लिए एक बार पुनः नव वर्ष 2018 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी मैं बात करूंगा मेष राशि के बारे में। आपके लिए आज का जो नया दिन है, साल का पहला दिन, बहुत ही अच्छा रहेगा। हम कह सकते हैं कोई विशेष परिस्थिति नहीं है नेगेटिव। वृष राशि वालों के लिए भी आज का जो दिन है वह ठीक है, पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य की तरफ से दिक्कत आएगी, क्योंकि 6 और 8 जो भाव हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से पीड़ित हो रहे हैं। मिथुन राशि के दर्शकों के लिए आज आपके मान सम्मान के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। कर्क राशि, आपके लिए आज का जो दिन है वह कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा है, पर ध्यान एकाग्रता और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आज आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा शुरुआत में आज बहुत ध्यान रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती ना करें। सिंह राशि, आपके लिए आज लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। शुरुआत साल के पहले दिन आप बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, प्रोग्रेस भी बढ़ेगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं आपके लिए पहला दिन बहुत ही अच्छा है। कन्या राशि के दर्शकों, आपके लिए आज कर्म मजबूत होगा, मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा, पर थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना, ये रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दोस्तों, आज का जो दिन है आपके लिए वह भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। पिता के साथ और इसके अलावा पूरे परिवार में सभी के साथ आज एक मनोरंजन और मिलजुल करके आपको काम करना चाहिए, दिन आपका अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनाव है, पर हम ये कह सकते हैं ओवरऑल ठीक है, पर थोड़ा वाणी पर आपको संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लगन पाप प्रभाव में आ रही है, वाणी स्थान भी पाप प्रभाव में है। धनु राशि के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आज चंद्रमा विवाह स्थान में भ्रमण करेगा, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, पत्नी के साथ मनमुटाव पैदा होगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। आज उनकी इच्छाओं की पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज कुछ उनको गिफ्ट उपहार अवश्य दें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन डिस्टर्ब आप दोनों के बीच में होगा। मकर राशि वालों के लिए आज का जो दिन है वह बहुत ही अच्छा है। आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं वह पूर्ण होंगी, पर आपको किसी से कोशिश ये करेंगे पैसा आज उधार ना लें। कुंभ राशि के दर्शक हैं उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा नज़र आता है, विशेष तौर पर जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए। मीन राशि, दोस्तों आपके लिए जो आज का दिन है इसमें मन पर चंद्रमा का भ्रमण करेगा मित्र राशि में, तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा साल के पहले दिन, इसलिए कह सकते हैं कि पूरी एनर्जी आज आप में देखने को मिलेगी, मान सम्मान भी आज आपका काफ़ी बढ़ेगा। दोस्तों, ये था आपका आज का राशिफल। कल के एपिसोड में आपको आगे की जानकारी देंगे। एक बार पुनः नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।